हाय गाइस, मैं निखिल और आप देख रहे हैं बस वीटा। गाइस, अगर आपके सिस्टम में मालवेयर है या फिर कोई वायरस है और अगर आप यूज कर रहे हैं विंडोज 10, तो आपके सिस्टम में पहले से ही एक एंटीवायरस, एक एंटी मालवेयर मौजूद है जिसका नाम है विंडोज डिफेंडर। और विंडोज डिफेंडर की हेल्प से आप ऑफलाइन अपने सिस्टम को कैसे स्कैन करेंगे, ये आज मैं आपको स्टूडियो में बताऊंगा। व्हाट इज ऑफलाइन स्कैन? सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ। ऑफलाइन स्कैन एक ऐसा एडवांस्ड प्रोसेस है जो आपके सिस्टम को स्कैन करता है जब आप लॉग ऑफ होते हैं अपने सिस्टम से। दैट मीन कि जब आपका सिस्टम स्टार्ट हो रहा होता है उसी टाइम आपके सिस्टम को स्कैन करता है। और इसका फायदा क्या होता है, ऐसे काफी सारे वायरस एप्लीकेशंस होते हैं, ऐसे काफी सारे मालवेयर्स होते हैं जब आपका सिस्टम रनिंग कंडीशन में होता है, यानी कि जब आप अपने सिस्टम को यूज कर रहे होते हैं तो वो बैकग्राउंड प्रोसेस में रन कर रहे होते हैं। और ऐसे में इस पोजीशन में जब आप अपने सिस्टम को स्कैन करते हैं किसी एंटीवायरस या फिर विंडोज डिफेंडर की हेल्प से भी, तो वो वायरस पकड़ में नहीं आते, या फिर आप कह सकते हैं कि आप उनको डिलीट नहीं कर सकते क्योंकि वो उस टाइम रनिंग कंडीशन में होते हैं। आपने देखा होगा कई बार, अगर सपोज आपने कोई एप्लीकेशन ओपन कर रखी है और आप उसको डिलीट करना चाहें तो वो डिलीट नहीं होती, सबसे पहले आपको उसको क्लोज करना पड़ता है। तो ये ऑफलाइन मेथड का ये एक बेनिफिट है कि जब आपका सिस्टम ऑफलाइन होता है, जब आप लॉग ऑफ होते हैं अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से, उस टाइम आपके जितने भी वायरस हैं, मालवेयर हैं, वो इनएक्टिव स्टेट में रहते हैं और उस टाइम आप उन पर अटैक करके उनको डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए मैंने आपके लिए पहले भी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने आपको बूटेबल एंटीवायरस पेन ड्राइव क्रिएट करना बताया था जिसको प्लग इन करके आप अपने सिस्टम को स्कैन कर सकते हैं। लेकिन जिनके पास विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल है और टाइम टू टाइम अपडेट भी होता रहता है, तो वो विंडोज डिफेंडर की मदद से भी ऑफलाइन स्कैन कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको विंडोज 10 में जाना है सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में जाने के बाद अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाएंगे। अपडेट एंड सिक्योरिटी में जाने के बाद आपके पास विंडोज सिक्योरिटी टैब आएगा, यहाँ पे आप इस पर जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पर आएगा वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, ठीक है, इस पर आप जाएंगे। इस पर जाने के बाद आपके पास यहाँ पे आएगा स्कैन ऑप्शंस। स्कैन ऑप्शंस में आप जाएंगे, देन यहाँ पर आपके पास काफी सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। आप देख सकते हैं क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन एंड विंडोज डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन। ठीक है, तो आपको जस्ट ये टिक करना है और ये टिक करके आपको स्कैन नाउ पे क्लिक कर देना है। ठीक है, ये करते ही आपका सिस्टम रीस्टार्ट होगा थोड़ी देर में, और रीस्टार्ट होते टाइम आपको ये प्रोसेस नजर आएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए यहाँ पर मैं स्कैन नाउ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है आप देख सकते हैं यहाँ पे रीस्टार्ट होना शुरू हो गया। और रीस्टार्ट होने के बाद वापस से स्टार्ट हो रहा है और रीस्टार्ट होते टाइम ही डायरेक्ट यहाँ पे आ गया है विंडोज डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन का ऑप्शन। ठीक है, ये इस तरीके से आपकी फाइल्स को लोड करेगा कुछ समय तक, उसके बाद यहाँ पर इस तरीके से आपका जो स्कैनिंग प्रोसेस है वो परसेंटेज में रन होगा जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, 100% ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका सिस्टम वापस से स्टार्ट हो जाएगा, वापस से रीस्टार्ट हो जाएगा और आप अपने सिस्टम को यूज कर पाते हैं। इस प्रोसेस के टाइम जितने भी वायरस होंगे, जितने भी मालवेयर होंगे जो आपके सिस्टम को इफेक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिलीट कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर आप इस प्रोसेस का यूज दे सकते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हम वापस से अपने सिस्टम में लॉग इन कर गए हैं। तो गाइज, ये था एक छोटा सा प्रोसेस जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपने सिस्टम में विंडोज डिफेंडर ऑफलाइन स्कैन का यूज ले सकते हैं। ऑफलाइन स्कैन क्यों इम्पॉर्टेंट है और क्या इसके बेनिफिट है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। तो अगर आपके सिस्टम में किसी तरीके का इशू आता है तो आप ऑफलाइन स्कैन जरूर परफॉर्म किया कीजिए। अगर आप विंडोज 10 के अलावा कोई और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज कर रहे हैं, तो इसके लिए मैंने आपके लिए एक अलग से भी वीडियो बना रखा है। बूटेबल पेन ड्राइव का यूज करके आप अदर एंटीवायरस की हेल्प से भी स्कैन कर सकते हैं, विंडोज डिफेंडर की हेल्प से भी आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाकर स्कैन कर सकते हैं। उसके लिए मैं आपके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा किस विंडोज डिफेंडर की आप बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को फॉलो करें। वीडियो और इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइए कि आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।